Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Shiny. रक्षाबंधन is round the corner और रक्षाबंधन के लिए आप किस तरह से तैयार हो सकते हैं वो भी काफ़ी कम टाइम में एंड एक सटल सा क्लासी ब्यूटिफुल लुक आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. ये जो लुक मैं क्रिएट करूँगी ना ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है एंड मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस को डिस्क्राइब भी करने वाली हूँ कि कौन सा प्रोसेस आप किस तरह से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में. सो ये रक्षाबंधन मेकअप लुक अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन हाँ, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए क्योंकि क्लीन फेस पर ही आपको मेकअप स्टार्ट करना है. मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश. ये उपटन फेस वॉश मेरा पर्सनल फेवरेट है मामा अर्थ के सारे फेस वॉश रेंज में से, क्योंकि ये ना फेस को इतनी अच्छी तरीके से क्लीन करता है और एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है. क्लेंजर के बाद आपको अपने स्किन केयर करना है और स्किन केयर के बाद आप मेकअप के स्टेप्स स्टार्ट कर सकते हैं. जितना स्किन केयर आप अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप बेस रहेगा और उतना ही नेचुरल आपका मेकअप दिखेगा. जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करूंगी सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अमेजन से खरीदे हैं एंड अमेजन पर मुझे मिलते हैं अमेजिंग से डील्स एंड डिस्काउंट्स. सो आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अमेजन. इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं सारे सिर्फ 500 रुपीस के अंदर है. तो ये काफी अफोर्डेबल एक मेकअप लुक है जो आप इजीली रक्षाबंधन के लिए कैरी कर सकते हैं किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ. तो चलिए अब इस मेकअप लुक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने बायोटिक कुकुम्बर पोर टाइटनिंग रिफ्रेशिंग टोनर इस्तेमाल किया है. ये टोनर पोर्स को ब्लर कर देता है जिससे मेकअप बेस नेचुरल और फ्लॉलेस दिखता है. आपको इस तरह से उसे पुश करना है अपने स्किन में ताकि अच्छी तरीके से टोनर स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए. फिर मैंने लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल किया है. ये लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा और अफोर्डेबल भी है. समर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है और अगर आपको ओपन पोर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके के लाइट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने इस्तेमाल किया है ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन. मेरा शेड है 120. सिर्फ एक पंप मैंने लिया है और उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पिगमेंटेड एरियाज पर ही सिर्फ अप्लाई करूंगी, होल फेस पर नहीं अप्लाई करूंगी. जस्ट मुझे एक इवन स्किन टोन लुक चाहिए, ज़्यादा मुझे मेकअप नहीं चाहिए, जस्ट बेस नेचुरल दिखना है. कंसीलर मैंने इस्तेमाल किया है स्विस ब्यूटी का. मेरा शेड है 02 सैंड सेबल. सिर्फ अंडर आईज पर अप्लाई किया है और थोड़ा क्वांटिटी मैंने पिगमेंटेड एरियाज पर अप्लाई किया है. लेकिन जितना कम हो सके आप उतना ही कम कंसीलर इस्तेमाल करें ताकि आपका जो मेकअप लुक है वो नेचुरल दिखे और ज़्यादा बोल्ड या फिर ज़्यादा मेकअप आपने इस्तेमाल किया है ऐसा लुक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन दिन में होता है तो डे टाइम लुक के लिए इस तरीके का लाइट मेकअप लुक बिल्कुल अच्छा है जिसमें आपके जो फ्लॉज है स्किन में वो भी दिखे और आपका जो नेचुरल स्किन है वो दिखने के साथ साथ काफ़ी एक खूबसूरत सा लुक मिले. मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल किया है एंड फिर मैं अपने आईब्रोज को शेप दे रही हूँ. ये ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर है जिसमें एक साइड तो एक आईब्रो पेंसिल आता है एंड दूसरा साइड है एक स्पूली. तो ये ट्रैवलिंग के वक्त भी काफ़ी इजी रहता है एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल. नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शैडो पैलेट लिया है. मेरा शेड है 05. इसमें कई सारे वैरायटीज़ के आई शैडो शेड्स अवेलेबल है तो आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. 05 शेड में ज़्यादातर न्यूट्रल शेड्स है और सिर्फ 3 या 4 शिमर शेड्स हैं. तो मैंने यहाँ पर जो ट्रांजिशन शेड है पहले उसे इस्तेमाल किया और अपने आउटर कॉर्नर्स को डिफाइन करने के लिए एक डार्कर ब्राउन शेड लिया और फिर मुझे एक फेक लैश लाइन के करीब करीब फेक आईलाइनर ड्रॉ करना था जिसमें एक छोटा सा विंग हो. तो मैंने इस तरह से ब्लैक आई शेडो लेकर आईलाइनर ड्रॉ किया और फिर मैं मस्कारा इस्तेमाल करूँगी. ये ब्लू हेवन एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा है. आप चाहते हैं तो मेबलिन का मस्कारा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है. फिर मैंने वहाँ से जो ब्राउन शेड था ना उससे मैंने कॉन्टूरिंग की है एंड दिस इज सच अ वर्सेटाइल पैलेट. इससे आप कॉन्टूर भी कर सकते हैं, ब्लश भी कर सकते लगा सकते हैं, आई शेडो भी लगा सकते हैं एंड इसमें हाईलाइटिंग शेड्स भी है. तो फिर मैंने कॉन्टूर को ब्लेंड किया, अपने नोज को हल्का सा कॉन्टूर किया क्योंकि मुझे ज्यादा कॉन्टूर नहीं करना था जो कि आर्टिफिशियल दिखता है.
आप अपने लिपस्टिक को ब्लश की तरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने हैंड्स पर उसे अप्लाई कीजिए और फिर उसे डैब कीजिए अपनी चीक पर, ताकि एकदम करेक्ट पिगमेंटेशन मिले। फिर मैंने मेबलिन टच ऑफ स्पाइस जो शेड है उसे अप्लाई किया अपने लिप्स पर, विच इज़ अ वेरी प्रिटी शेड। स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर पैलेट है वहाँ से जो गोल्डन शिमर जो शेड था ना, उसे मैंने एज अ हाइलाइटर इस्तेमाल किया है, एंड देन शुगर का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया, एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। मैंने एक छोटा सा रेड बिंदी भी लगाया है, तो आप इस तरह से एक्सेसराइज कर सकते हैं अपने लुक को, एंड ये लुक आप सबको कैसा लगा वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा। अगर इसी तरीके का मेकअप लुक्स या फिर रिव्यू वीडियोस, हॉल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज का वीडियो आप सबको कैसे लगा वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।